हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बाहर नहीं गई घूमने, छत पे आई हूँ आज मैं घूमने के लिए। ये देखिए हमारी छत। ये मेरे पार्लर की कुर्सी पहले काम करती थी जो टूट गई है, अभी ऊपर छत पे रख रखी है मैंने। और आज क्या है कि बाहर नहीं गई, थोड़ा लेट हो गई तो यही घूम ली, छत पे आ गई थी आज मैं। और आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, देखो बादल बादल हो रहे हैं और पीछे खेत भी हरे भरे लग रहे होंगे आपको। और सुबह आप लोगों ने चाय नाश्ता किया नहीं किया? मैंने भी नहीं किया, अभी चाय पी के सिर्फ छत पे आई हुई हूँ। अभी सिर्फ ओनली चाय पी मैंने। और क्या है कि आज बहुत बारिश जैसा मौसम हो रहा है, अंदर थोड़ा छत पे घूम लेती हूँ क्योंकि आज बाहर जाने का दिल भी नहीं हो रहा था, इसीलिए छत पे घूमने आ गई। ये दूसरों की छत पे पास पास में होती है ना, ये दूसरों की छत पे। अब कैसे कितना अच्छा है कि ये छत पे भी जा सकते हैं, उस छत पे भी जा सकते हैं, पर अपने क्या काम में तो जाती भी नहीं हूँ। किसी के दूसरों की छत पे जाना अच्छी बात भी नहीं होती है तो मैं नहीं जाती हूँ। बाकी अगर जा भी सकते हैं पास में ये छत तो। और ये मेरे जब मैं पार्लर का काम कर रही थी, जब शुरू में मैंने पार्लर का काम चालू किया था तब की ये मेरी चेयर है जो अभी टूट गई है। अभी तो मैंने दूसरी ले ली, पर अभी ये रखने की जगह नहीं है तो इसको मैंने छत पर रख रखी है। छत पे घूमना भी अच्छा लग रहा है मेरे को। आज बहुत टाइम बाद मैं छत पे घूमने आई हुई हूँ और मच्छर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। पता नहीं इतने मच्छर कहाँ से आ गए, बाहर जाते तो भी मच्छर है, छत पे आई हूँ तो भी मच्छर हो रहे हैं। और अभी है मेरे गमले ऐसे खाली पड़े हुए, इनमें भी पौधे वगैरह लगाने हैं क्योंकि जो पौधे थे सारे सूख गए मेरे, क्योंकि वहाँ मैं बहुत टाइम से बाहर थी तो पौधे लगाए ही नहीं वापस, तो इनमें भी मैं मिट्टी विट्टी दूसरी भर के और वापस पौधे लगाऊंगी। नए वाले पौधे आते हैं जो लाऊंगी मार्केट से और नए पौधे लगाऊंगी। बाकी तो ऐसे खाली पड़े हुए हैं, ये थोड़े बहुत पौधे लगेंगे हरा भरा रहेगा तो अच्छा भी लगेगा, बाकी खाली पड़े रहने से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे गमले डाल रखे हैं ऊपर मैंने, इनमें भी वो पौधे लगा के फिर रखूँगी, इनकी भी अच्छे से मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी। बाकी ऐसे लगाऊँगी पौधे तो ये चलेंगे ही नहीं, पौधे बार बार लगा रही हूँ और सूख जाते हैं। एक बार इनकी दूसरी मिट्टी भर के इनको अच्छे से करके फिर लगाऊँगी। और अभी मेरा गुन्नू सो रहा है और मेरा तोता अभी खाना खा रहा है नीचे, उसको छोड़ के अभी मैं छत पे आ गई थी घूमने के लिए। अभी मैं जाती हूँ नीचे और आपसे मिलती हूँ बाद में। सुबह की मॉर्निंग हो रही है, ये इसने खाना खा लिया अभी और देखो कैसे बैठा हुआ गब्बू बच्चा मेरा। हे गब्बू, देखना कैसे देख रहा है है बच्चा, क्या हुआ? गुस्सा भी आ रहा मम्मी पे? कैसे बैठा हुआ है, सो गया वो? इसको तो नींद आ गई थी। आजा बच्चा। अभी मैं बना रही हूँ चाय, ये देखिए चाय बन रही है। किस किस को सुबह की चाय पीनी है? मैं सेकंड बार चाय पी रही हूँ और मेरे पीछे पड़े हुए बर्तन वो अब साफ करने, मेरे को बहुत सारे पड़े हुए हैं। और ये बन रही है चाय, अभी आप लोगों को भी पीनी है चाय तो आप लोग भी आ जाइए। और बाकी का किचन का काम हो चुका है मेरे, वो मेरे हॉल है, मेरे भगवान बैठे हुए हैं अभी, अभी नहाऊंगी, कपड़े धोने बाकी है, बाकी का सारा काम अभी पड़ा हुआ है। दीपक करूँगी फिर ला के भगवान के, पूजा पाठ वगैरह बाकी है ही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सुबह का काम बहुत ज़्यादा होता है तो अभी काम करना बाकी है मेरे, तो अभी वही चल रहा है सुबह का काम। और आज तो मेरे पैरट को भी मैंने नहला के बिठा दिया है,
क्योंकि वो पिंजरे में जाता नहीं है, नागने का बहुत चोर है वो, बहुत ज्यादा। तो अब उसको नहला के बिठा दिया और चाय बना देती हूँ एक बार, क्योंकि दोनों को टेबलेट वगैरह भी देनी पड़ती तो थोड़ा नाश्ता वास्ता करवा देती हूँ और उसके बाद बर्तन साफ करके फिर नहाऊंगी, फिर कपड़े धोऊंगी, फिर आपसे बाद में मिलूंगी। ओके बाय। मेरे श्याम बाबा के मैंने पूजा कर ली है और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। आज मेरे हस्बैंड को गए हुए 2 महीना कंप्लीट हो चुका है कि 30 तारीख को उनकी डेथ हुई थी और आज 30 तारीख है। यही चाहती हूँ कि भगवान उनको उनके चरणों में रखे और जहाँ रहे वो खुश रहे, बस यही चाहती हूँ मैं। और एक बार सब जने जय श्री खाटू श्याम लिख दीजिए, और कौन कौन जाके आया खाटू श्याम मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी जानना है और कैसे जाते हैं वहाँ पे, ये चीज़ भी मुझे मेरे साथ शेयर करना आप लोग, ताकि मैं भी जाके आऊँगी वहाँ पे। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, जो हमारे पास में जो मंदिर है वहाँ जा रही हूँ भोलेनाथ के दर्शन करने। वहाँ पे भी बाबा से यही अरदास लगाऊँगी भोलेनाथ से कि भगवान वो जहाँ रहे खुश रहे, क्योंकि आज उनको कंप्लीट आज के दिन वो गए थे तो 2 महीना हो चुका है उनको, आज के दिन वो यहाँ छोड़ के चले गए थे हम लोगों को। और अब मैं जा रही हूँ भगवान के दर्शन करने। मैं निकल गई हूँ घर से जल का लोटा लेके और भगवान से यही प्रार्थना करने की भगवान वो जहाँ रहे खुश रहे, उनके मन को शांति मिले, क्योंकि आज कंप्लीट 2 महीने हो गए और वो सोच सोच के ही दिल बहुत दुख रहा है मेरा। चलो भगवान के दर्शन करने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। मैंने भगवान के यहाँ जल चढ़ा दिया और भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान वो जहाँ रहे खुश रहे, उनको उनकी आत्मा को शांति मिले। बोल पाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पर भगवान उनको अपने चरणों में रखना हमेशा। अभी मैं जा रही हूँ वापस घर पे, क्योंकि मैं किसी से मिलने भी चली गई थी और अब घर जा रही हूँ वापस मैं। अब आप लोगों से घर जाके मिलती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड, अभी बन रहा है हमारे खाना, हम बना रही हूँ रोटी और गुन्नू खाना खा रहा है। और सब्जी आज मैंने क्या बनाई, तरोई सब की सब्जी बनाई है और एक भिंडी की सब्जी बनी है, दोनों सब्जी बनाई है मैंने आज, 2 सब्जी बनाई उसके लिए। और अब क्या पता उसको क्या अच्छी लगेगी, क्या खाएगा वो। और अभी मैं रोटी बना रही हूँ और वो खाना खा रहा है मेरे कमरे में। गर्मी बहुत लग रही है इधर, ये मेरा छोटा सा किचन जो आप लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता ये मुझे नहीं मालूम है, पर ये मेरा छोटा सा किचन है।